Welcome and welcome back to my channel. And if you are new here, then please take a moment and subscribe to my channel. So आज की वीडियो होने वाली है NYKAA haul under 100 rupees. So मैंने NYKAA से कुछ चीज़ें परचेज करी हैं. जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं वो सारे अंडर 100 रुपीज़ के हैं. सो मैंने सोचा कि NYKAA से क्यों ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बाय किए जाए जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल के साथ साथ काफ़ी अच्छे भी होते हैं एंड वो प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा जाने माने भी हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना उसको बाय किया जाए और आप लोगों के साथ कुछ एक ऐसा हॉल शेयर किया जाए जो आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड मेरी जो भी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा ये चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसे बहुत ही अफोर्डेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो आई थॉट कि मुझे ये वाला हॉल तो करना ही था. सो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बाय किए हैं एंड हाँ, NYKAA पे अभी चल रही है समर सेल. तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए ना, मतलब एक तो मैंने लिए इतने ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी के, मतलब प्राइस ही उनके बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. आप देख सकते हो मैंने इतना सब कुछ बाय किया है सिर्फ आप लोगों के लिए. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना. एंड हाँ, मैंने सोचा ना कि इस टाइम एक तो सेल चल रही है, प्लस ये एक तो इतने अफोर्डेबल है, प्लस अगर आप सेल पे लेते हो तो बहुत ही अमेजिंग ऑफर पे आप इसको ग्रैब कर सकते हो. तो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप जाके ज़रूर परचेस करें, बिल्कुल भी ना भूलें. एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैं लूँगी ना, उन सबको मैं मेंशन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो मेक श्योर अगर आपको कुछ भी चेकआउट करना हो तो आप इजिली चेकआउट कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर. तो चलो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने यहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं एंड ये सब मैं यूज़ करूँगी अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में. एंड हाँ, अगर आपने ये वाला लुक नहीं देखा है ना तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ज़रूर देखिएगा. बहुत ही मैंने क्विक तरीके से इस लुक को क्रिएट किया है. सो या चलो अभी इस हॉल की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो सबसे पहले एक सेकेंड, मैं पहले इसको बॉक्स को रख दूँ. ओके, तो सबसे पहले जो मैंने बाय किया है ना वो है ये गार्नियर की बीबी क्रीम. एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब ये एक तो SPF के साथ आती है, प्लस इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है. देखो जिसके जो जो प्राइस होंगे ना वो मैं सारे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. तो अगर आपको कुछ भी चेकआउट मतलब देखना हो तो आप स्क्रीन पे देख लेना, क्योंकि मुझे इस तरीके से प्राइस याद नहीं है. प्रोडक्ट्स अच्छे खासे हैं तो मुझे इतना प्राइस याद नहीं है. ठीक है, तो जो भी इनके प्राइजेस होंगे मैं प्राइजेस मैंशन कर दूँगी स्क्रीन पर. ओके, सो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है ये गार्नियर का है एंड इसकी MRP है 75 रुपीज़ एंड ये SPF के साथ आता है. ये है बीबी क्रीम, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. अभी इस लुक में मैंने इसी बीबी क्रीम को अप्लाई किया है एंड ये काफ़ी अच्छे से कवरेज भी देती है. डेली काइंड ऑफ मेकअप लुक करना हो तो इस तरीके के BB CC क्रीम बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं आई थिंक, एंड गार्नियर के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. गार्नियर का मास्कुलर वाटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो अगर आप कोई भी बीबी या CC क्रीम अगर आपको ट्राई आउट करनी है तो ये बेस्ट है. नेक्स्ट, उसके बाद जो मैंने लिया हुआ है वो अगेन एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, वो है ये एक हिमालय का रिफ्रेशिंग क्लेंजिंग मिल्क. काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इसकी जो MRP है वो है 95 रुपीज़ और जैसे मैंने बताया कि NYKAA पे ऑलरेडी सेल चल रही है तो आपको और भी कम बजट में मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. तो जल्दी जल्दी से ग्रैब कर लेना, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ चाहिए. और ये एक क्लेंजिंग मिल्क है जो कि ऑल स्किन टाइप की, आपकी कैसी भी स्किन टाइप हो, डजेंट मैटर ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, ये सारे ही स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट करता है. ये एक क्लेंजिंग मिल्क है तो इसको बहुत तरीके आप यूज़ कर सकते हो. आप अपने फेस को क्लीन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब काफ़ी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो. एंड बेस्ट पार्ट लगता है कि काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है, बहुत ही इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ही अच्छी. तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा, ओ इतना सारा निकला है. ओके, तो आप देख सकते हो बहुत ही वाटरी इसकी कंसिस्टेंसी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. अच्छा वेट करो, इसको मैं रिमूव करके आती हूँ. ओके, जो नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट बाय किया है वो है एक लिवॉन का सीरम एंड ये सीरम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मतलब आप देख सकते हो ये मेरी सेकंड बॉटल है, मैं ऑलरेडी फर्स्ट बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ. मुझे ये सीरम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है. ये जस्ट 60 रुपीज़ का है एंड काफ़ी अच्छे से आपके हेयर्स को बहुत ही शाइनी सा एंड बहुत ही सॉफ्ट सा बना देता है. तो आई थिंक सीरम सबको यूज़ करना चाहिए जब जब आप बाहर जाते हो. तो आई थिंक एक हेयर केयर प्रोडक्ट में आप एक्स्ट्रा सीरम ऐड कर लो तो काफ़ी ज़्यादा आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से नरिश भी हो जाते हैं, आपके हेयर सॉफ्ट भी हो जाते हैं, एट द सेम टाइम शाइन भी आ जाता है. तो आई थिंक सीरम सबको यूज़ करना चाहिए. एंड अगर बजट की बात करूँ तो अंडर 100 रुपीज़ में आपको 60 रुपीज़ का सीरम मिल रहा है, वो भी लिवॉन का. तो आई थिंक ये बेस्ट है. इसमें आपको 20 ml का प्रोडक्ट मिल रहा है तो या आप इसको भी परचेस कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी लिए हैं. अभी एक स्किन केयर बचा है, या एक स्किन केयर बचा है. ये मैंने लिया है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर. इस लुक में मैंने अभी इस मॉइस्चराइजर को यूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा. इसका मेरे पास बड़ा वाला टब भी है एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था. एंड ये काफ़ी अच्छा सा लाइट मॉइस्चराइजर है, इंस्टेंट आपके फेस को मॉइस्चराइज भी कर देता है. ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है तो आई थिंक ये बेस्ट है. इसकी जो MRP है आई थिंक 50 या 55 रुपीज़ इसी तरीके की है एंड इसमें आपको 25 ml मिल जाता है, मतलब प्रोडक्ट मिल जाता है.
है एंड MRP जो भी है मैं स्क्रीन पर डेफिनेटली मैंशन कर दूँगी, बट या इस तरीके का ये है एंड काफ़ी अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मेकअप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी के मैंने परचेज किया है अंडर 100 रुपीज़ में। आपको बहुत ही तरीके के मेकअप वहाँ पे नायका पे जब आप डालोगे ना मेकअप अंडर 100 रुपीज़, तो बहुत तरीके की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। बट मुझे जो चाहिए था एंड मुझे जो दिखाना था मैंने वही वाले प्रोडक्ट्स लिए हैं एंड जो भी लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो चलो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है एक आईब्रो पेंसिल, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम मतलब ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अब नए आ रहे हैं। मतलब आई थिंक मुझे लग रहा है उसका प्राइमर भी एक नया लॉन्च हो गया, पहले वो ब्लू कलर की पैकेजिंग थी अब वाइट कलर की। सो डेफिनेटली मैं उसको भी ट्राई करूंगी। फिलहाल अभी मैंने जो आईब्रो पेंसिल ली है एंड ये 80 रुपीज़ की आती है और 80 की थी, बट इसमें ऑफर भी था तो वो और भी कम में थी, तो आई थिंक 80 रुपीज़ के अंडर 100 रुपीज़ में आपको एक अच्छी खासी आईब्रो पेंसिल मिल रही है। एंड आई थिंक इसमें कोई शेड नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही शेड था, ब्राउन कलर का था एंड ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है जब आप अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करते हो। एंड इसमें मैंने देखा था कोई भी शेड नहीं था, इसमें जो शेड था वो है ये नेचुरल ब्राउन एंड काफ़ी अच्छी है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो यार डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई करो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको ऑलरेडी किसी ट्यूटोरियल में आई थिंक यूज़ कर चुकी हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ओपन भी है, यहाँ से बस मुझे दिखाना था इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी पैकेजिंग में डाल के आपको दिखा रही हूँ। सो या ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सो अभी एक और स्किन केयर बच गया है एंड जो कि मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, वो है ये एक लिप बाम। ये है वादी का लिप बाम, आई थिंक ये 45 या 50 रुपीज़ का आता है। बहुत ही अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। आई थिंक समर हो या विंटर लिप बाम ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपनी लिप केयर को, मतलब लिप केयर करनी ही चाहिए सबको, तो ताकि आपकी जो भी जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो ना तो एक अच्छा शेड आ जाए। अगर आप लिप बाम नहीं अप्लाई करते हो तो वो आपकी लाइन्स बनती है, जो कि काफ़ी लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि लाइन्स बन जाती है लिप्स पे, इसीलिए क्योंकि आप प्रॉपर अपनी लिप केयर नहीं करते हो। मतलब हमारे पार्ट को हम ही को केयर करनी है ना, कोई और तो नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, जब आप लिपस्टिक या फिर कुछ भी कोई भी किसी भी तरीके की लिपस्टिक अप्लाई करते हो, या तो वो बुलेट हो या लिक्विड हो, कैसी भी हो, आपको लिप बाम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो जब आप लिप बाम अप्लाई करते हो ना तो वो लिप्स में एक मॉइस्चराइज आ जाता है, तो जब मॉइस्चराइज हो जाती है तो वो जो लाइनिंग होती है ना वो थोड़ी कम होने लगती है, जो फटने लगते हैं ना वो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। सो उसके बाद आप लिपस्टिक अप्लाई करो तो ये बेस्ट पार्ट होता है। तो लिप बाम तो मैं मतलब बता रही हूँ कि क्यों अप्लाई करते हैं, किस लिए अप्लाई करते हैं। फिलहाल मैंने अभी ये लिप बाम लिया है, एडिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वादी का है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी आता है एंड आई थिंक बहुत सारे आते हैं। मैंने जो वेरिएंट लिया ये ब्लूबेरी का लिप बाम है एंड ये ब्लू कलर का है, बट ये ट्रांसपेरेंट लिप बाम है, इसमें कोई भी टिंट नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट ही है एंड फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे फ्रेग्रेंस। एंड हाँ डेफिनेटली इसमें फ्रेग्रेंस है, मतलब आप स्ट्रॉबेरी लोगे उसमें भी फ्रेग्रेंस है, जो भी लोगे वेरिएंट उसमें सब में फ्रेग्रेंस है, तो बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्राइस वाइज बहुत ही बेस्ट है। तो इस लिप बाम को भी ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंड करूँगी इस लिप बाम को मैं। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है एक सिंगल आई शेडो, ये है वेट एंड वाइल्ड का सिंगल आई शेडो इन द शेड NV E3550A, ऐसे करके कुछ लिखा है, बट जो शेड है वो है एनवी एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके का आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है, आप देख सकते हो बिल्कुल मैट सा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, मैट नहीं है सॉरी, शिमर में है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा ओपन की मतलब जब यहाँ से कर रही थी ना तब मुझे मैट लगा था, बट ये हाँ शिमर है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे इस कलर का एक सिंगल आई शेडो परचेस करना था, सो या ये कुछ इस तरीके का कलर है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड। आपने देखा वन स्वाइप में इतना अच्छा सा इसने पिगमेंट दे दिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी क्योंकि यहाँ पर लिखी नहीं, बहुत ही अच्छा है सिंगल आई शेडो। अगर आपको लगाना पसंद है तो डेफिनेटली आप इस तरीके के सिंगल आई शेडोज पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अंडर 100 के ही अंदर आता है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है। जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है वो एक लिपस्टिक है, मतलब आप सभी जानते हो हॉल में अगर मैंने एक लिपस्टिक नहीं परचेज करी तो फिर सब बेकारी है ना, तो लिपस्टिक मैं डेफिनेटली परचेस करती हूँ एंड मेरे पास बहुत सारा लिपस्टिक का कलेक्शन हो रखा है ऑलरेडी। तो अगर आपको मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फिलहाल मैंने जो लिपस्टिक ली है वो है ये ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड मतलब मैं बता सकती हूँ, मतलब इसकी जो MRP वो 105 है, बट आई थिंक 75 या 80 रुपीज़ की परचेज करी थी एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट में बहुत ही अच्छे अमेजिंग ऑफर्स आते हैं, मतलब ब्लू हेवन में तो काफ़ी अप टू 40% तक ऑफ आ रहा है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं उसके फिलहाल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं प्रोडक्ट, मतलब
ट्राई कर सकते हो। ब्लू हेवन का प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब कुछ ऐसे दो तीन ब्रांड है जो अफोर्डेबल के साथ साथ काफ़ी अमेजिंग मतलब इस टाइम चल रहे हैं, जैसे कि वो मार्स हो गया, मतलब मार्स का इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगते हैं। आई शेडोज़ का लॉन्च हुआ था ना, तो मैंने उसका भी रिव्यू किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ब्लू हेवन है, स्विस ब्यूटी है, ये कुछ ऐसे ब्रांड है जो कि बहुत अमेजिंग वर्क कर रहे हैं एंड पिगमेंटेशन अच्छी देते हैं, कवरेज अच्छी देते हैं, मतलब सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। फिलहाल मैंने जो ये लिपस्टिक ट्राई करी है वो इस कलर की है, और ये थोड़ा सा ब्राउन में है, मतलब काइंड ऑफ ब्राउन वाला शेड है, जब फोटो में तो प्रॉपर ब्राउन लग रही थी, बट ये कुछ इस तरीके का शेड है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये कुछ इस तरीके का है, मतलब थोड़ा सा ना बहुत ही अजीब सा शेड है, मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ, एंड ये इस तरीके का है, तो मतलब है तो ये ब्राउन बट बहुत ही वैसी वाली, मतलब क्या ही बोलूँ कि चॉकलेट वाली भी नहीं है यार, ये मतलब अलग ही लेवल की ब्राउन शेड है। सो यह कुछ इस तरीके का इसका शेड है। सो ये हर स्किन टोन पे तो नहीं अच्छी लगेगी, बट मैंने ट्राई किया था, मेरे पर सही लग रही थी, अच्छी लग रही थी मतलब। सो या अगर मतलब आपको लगता है तो आप ये वाला शेड चेक कर सकते हो, पता नहीं कौन सा शेड है, यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, 12 लिखा है, ओके 12 शेड है। सो या अगर आपको ये शेड ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ ये सारे स्किन टोन पे मैच नहीं करेगा, मैं पहले बता दूँ, डस्की पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, फेयर वाले जो होंगे ना उन पे ही जाएगा ये, तो मेरे पे भी अच्छा लग रहा था, मैंने इसको ट्राई किया था। तो या अगर आपको परचेज़ करना तो आप ये वाला कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, एट इस टाइम तो ऑफर में भी है, तो जल्दी से फटाफट से जाके ग्रैब कर लो, क्योंकि उसके बाद ना ये सेल पता नहीं, फिर अब नायका पे तो वैसे भी सेल आती ना तो बहुत अमेजिंग आती है, अदरवाइज़ फिर आती नहीं, बहुत रेयर आती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है एक नेल पेंट, जो है ये इनसाइड की मैं ऑलरेडी बहुत सारी मेरे पास नेल पेंट्स है, मतलब कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एक तो इसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिसीव हो जाती है, इसमें आई थिंक आपको मिल जाता है, अच्छा इसमें मेंशन नहीं है, बट इसकी क्वांटिटी मतलब बॉटल इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब क्वांटिटी रिसीव हो जाती है, प्लस इसकी प्लस पॉइंट ये है कि MRP बहुत ही सही है, 60 रुपीज़ की आपको ये नेल पेंट रिसीव होती है, बहुत ही वेरिएंट्स आते हैं, मैट आते हैं, शाइनी आती है, ग्लॉसी आती है, मतलब हर तरीके की आती है, तो डेफिनेटली आप इनसाइड्स की नेल पेंट यूज़ करो, एंड ये काफ़ी टाइम तक आपके नेल्स पे रहती है। सो या इनसाइड की नेल पेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा था, एंड इसका शेड वेट पता नहीं मेंशन नहीं है, 340 करके बस शेड लिखा हुआ है, इसका शेड कुछ मेंशन नहीं है, तो डेफिनेटली मैं कुछ भी इसका होगा लिंक तो मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सो या लास्ट प्रोडक्ट ये था नेल पेंट, एंड ये बहुत ही अच्छा सा मॉवी कलर है, आप देख सकते हो, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो या ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और जितना हो सका मैंने वो वाले सारे प्रोडक्ट लिए जो आप लोगों को देखने होंगे आई थिंक, एंड बहुत ही सोच समझ के मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया है, और अंडर 100 रुपीज़ में आई थिंक बेस्ट हॉल था ये वाला। सो फिलहाल मुझे जितने वर्क मतलब मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैंने वो वाले लिए भी प्रोडक्ट। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो मेक श्योर अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल एंड स्टे सेफ।